बताओ मैं बहुत बवाल मचू तू। देखो भाई साहब हमें नहीं नहीं बवाल के बारे में नहीं पूछे, दूसरे बवाल के बारे में पूछ रहे। तहसीलदार ने ऐसा ही पता नहीं है। देखो सी हम इसे क्या हमें क्या पता, बिल्कुल हमें क्या, हम तो अपनी दुकानदारी पे बैठे जितना जे सुन लो उतने अच्छो है। हम तो अच्छा सुना सो अच्छा ही अच्छा बोला कि अच्छा अच्छा सुना है सो अच्छा ही अच्छा काने है। हमें नहीं है जो दुनियादारी को ना हमें ईमेल काल से पूछा है। बिल्कुल बढ़िया, आना जाना होता होगा। पहले क्या कहानी थी यार की, जानते छोटे छोटे थे ऐसे अपनी झोपड़ी सी में आते, गिरानी के खाए वाले है, गिरानी के खाए थे मतलब गरीब थे पहले बहुत, वो अपने भगवान की मेहमा है हमें थे कोई नहीं जाना तो क्या कहाँ गढ़ा कहाँ कहा है गिरा। पहले की कहानी बताओ आप, पहले से पता चलो बल्ली बल्ली गड़ी रहती बल्ली अबे गाड़ी में 2 साल पहले तो ये बने हुआ, 2 साल पहले बना है ये। अबे तो मुलाचत 2 ही साल भाई 2 साल हुआ है। हाँ। पहले कोई नहीं जानते थे, फिर मुंबई मथुरा गए, फिर मथुरा से उन्हें सब गुरु महाराज जुड़े। अच्छा, फिर उन्हें लोग भगवान ने अपनी फैला दी महिमा। मथुरा में कितने महीने, मतलब महीने रुके सालों रुके? 2-3-4 साल रुके, 2-3-4 साल रुके। 5 साल हो चुके थे। हाँ, कौन है? उनकी बड़ी उम्र है, आप ही लोग कितनी उम्र है? 25-26 साल। हाँ, बस इससे भी कम है। हाँ, इससे कम ही लोग खड़े। अच्छा, उनके परिवार में कौन कौन सदस्य है? उनकी माता है, उनके पिताजी हैं, उनके भैया हैं, अच्छा बहन है, सिस्टर, सिस्टर की शादी हो चुकी है? हाँ, उनकी हो चुकी है, उनने भाई बताते हैं, हमने तो पता नहीं है। अच्छा, वो देखी है सुनी है हमने बताते हैं, यानी कि उनने अपनी बहन की शादी मांग मांग करी थी। अच्छा, सब जना ने सब जो दी, जैसे हम हाँ गरीब है। हाँ। तो कोनु काम नहीं है घर में तो आप सब जना को सब तो सकूल लेते ही। ये भी सुनने में आ रहा है कि उनकी जब बहन की शादी हुई तो एक मुसलमान भी थे जिन्होंने कुछ पैसे, उनके दोस्त थे उन्होंने भी कुछ पैसे दिए। ऐसे भी क्या, हम पहले तो हम 10 साल हैं हमें थे गंज में आके, गंज में आती है अबे अषाढ़ में नानी पैदल आए दंड भर भर आए और ऐसो अबे शादी ब्याह जो भाव उठाया था। अच्छा। इतनी भीड़ के और हमने तो जिंदगी में देखी नहीं। तो फिर तो आपके समोसा अकेले आप बनाऊ ना पाऊ तो और लोगों के लगवाने लगे थे। अभी ऐसे समाज ऐसा अब बच्चा है हमारे दूध है जैसे बेहते ना हो जिस दिन ना भीड़ भाई समझ लो अब आज तो ऐसे सोना चलो है सुबह हम बैठे अपने संतान है। इस पास यहाँ कोई अच्छा सा विद्यालय है अस्पताल है अच्छे से नहीं है यहाँ पर? अभी तो नहीं है, बमीठा ही में है जो बमीठा। कितना दूर हो गया यहाँ से? लगभग 20-22 किलोमीटर 20 ही है। उठ के बोला नहीं यहाँ सब बोला था जी किन्ने गात नहीं है वो किन्ने गात है की औरत पागल है बस सही हो गई लो अब इतने से अच्छा पहचान। अच्छा, ये सब हुआ है? सब हुआ है, आपने अपनी आंखों से देखा है? आंखों से देखा है क्या? एक दिन एक लड़का ले वहां गया छोटू जाई तो कह रहा तुम्हारे बोला ना तो बोलन लगो अम्मा पापा सब कान लगो चलो अच्छा ही गया इतने से अच्छा पा। बढ़िया, तो हमारा देश आस्थावानों का देश है, लोग आस्था लेकर विश्वास लेकर यहाँ पर आते हैं। कुछ लोग इसे पाखंड कहते हैं और कुछ लोग चमत्कार कहते हैं, तो हम भी अंदर जाते हैं पाखंड अगर लोग कहते हैं उसकी भी पड़ताल करेंगे, लोग चमत्कार कहते हैं उसकी भी पड़ताल करेंगे। नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बहुत ही फेमस जो गांव है गढ़ा, उस गांव में खड़े हैं और आप देखेंगे हमें पता चला है यहाँ पर आगे कभी यहाँ पर बांस की बल्लियाँ हुआ करती थी, उसमें जो धीरेन शास्त्री हैं यहाँ के पीछाधीशोर हैं उनकी फ़ोटो हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ पर पिलर बन चुके हैं और उस पर धीरेन शास्त्री की फ़ोटो लगी हुई है। हम आपको बता दें जो छतरपुर जिला है और छतरपुर जो नाम है वो बसाया गया था, बनाया गया था राजा छत्रसाल जी द्वारा और 1785 में इसकी बसावट हुई थी और राजा छत्रसाल जिनकी वजह से पूरे बुंदेलखंड में पूरे देश में छतरपुर जाना जाता है और साथ ही साथ छतरपुर दो और वजहों से जाना जाता है। छतरपुर जाना जाता है खजुराहो की वजह से क्योंकि विदेशों से बहुत सारे पर्यटक आते हैं और हमारे खजुराहो को घूमते हैं और घूमकर जो वहाँ के मंदिर हैं ख़ास मंदिर हैं उनको घूमकर उनके फ़ोटोज़ उतार कर अपने साथ ले जाते हैं। तो इस वक्त हम गढ़ा में हैं और साथ ही साथ बात करते हैं यहाँ जो दुकानें हैं आसपास हैं कि इन दुकानों ने कितनी तरक्की करी है, यहाँ पर कितना रोज़गार बढ़ा है और धीरेन शास्त्री जो वो कहते हैं वो चमत्कार जो वो करते हैं उनकी भी कोशिश करेंगे उनके चमत्कार के बारे में लोगों से जानने की, उनके इस चमत्कार से लोगों के यहाँ पर आने से कितना बदलाव यहाँ पर हुआ है। हमारे संवाददाता अवधेश जी भी हमारे साथ हैं और अवधेश जी पिछले दिनों दौरा भी यहाँ पर कर चुके हैं। अवधेश जी क्या लगा आपको यहाँ पर आके घूम के? यहाँ राघव जी दोनों चीज़ें हैं, जिस तरह से भक्तों की मनसाएँ पूरी हो रही हैं ये भी कहा जा सकता है कि कोई एक व्यक्ति की हुई हो तो वो नहीं है,
काफी लोगों की मनसाएं पूरी हुई हैं और काफी लोग हैं जो इस चीज को दरकिनार कर रहे हैं कि फर्जीवाड़ा है, तो दोनों चीजें हैं, अब इसको कितना मान के चलते हैं। बिल्कुल, तो हम दोनों पहलुओं में बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक चाची है जो बढ़िया तरीके से समोसा बनाने में तल्लीन है, तो उनसे भी जानते हैं कि क्या हकीकत है। चाची बहुत बहुत स्वागत है जनता गैराज में आपका। क्या नाम है आपका? मुन्नी यादव। मुन्नी यादव, ये बताइए समोसा कब से बना रही हैं आप? 6 महीना हुआ है। बस 6 महीना हुआ है? ऐसे हम खेती पाती वाले हैं। अच्छा, वैसे खेती पाती वाले हैं। चौमास में साढ़ में कई कछु काम नहीं है, चलो महाराज के दूरे में डरी रहा है। बहुत बढ़िया, सुन ले गुन ले कछु भगवान धोनी पानी टारी से कछु मिले। सो अपने तेतनसी टपर यासी डाल लाई। अच्छा, सो अपने जैसे समोसा बना। बहुत बढ़िया, आप रहने वाली कहाँ की हैं? ये तो गंज की। गंज? अच्छा, गढ़ा अलग है गंज अलग है? गंज जो है गढ़ा जो है। अच्छा, गंज भी एक गाँव है? हाँ, गंज शहर है, बाजार लगा कस्बा है, मतलब एक छोटा। तो आप गंज की बिलोंग करने वाले हैं, गंज से। ये बताइए उससे पहले 6 महीने से आपने दुकान रखी है, लेकिन उससे पहले भी आना जाना होता होगा, पहले क्या कहानी थी यार की? जानते छोटे छोटे थे ऐसे अपनी झोपड़ी सी में आते, गिरानी के खाए वाले, गिरानी के खाए थे, मतलब गरीब थे पहले बहुत। वो अपने भगवान की मेहमा है जे, उनके संग कितना अच्छा हुआ है, कितना अच्छा हो रहा हो। बचपन में कैसे थे वो, आपने जैसे बचपन से देखा उन्हें, क्या करते थे? कुछ नहीं करते थे, अपने पढ़ते लिखते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे कि भागवत ही पढ़ते थे बचपन से? नहीं, अब छोटे से तो पहले पढ़ाई करा, फिर अपने लोग भगवान की देन है भागवत, फिर ब्राह्मण को तो जो काम ही है सही, थोड़ी पोथी पाड़ी, फिर उन्हें कहा चल माँ लक्ष्मी है, चलो पूजा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, भगवान मथुरा पहुँचे, अपने भगवान की देन है। अच्छा, पहले मतलब सिद्धि उन्हें पहले मथुरा गए, उससे पहले इतना लोग नहीं जानते थे ना? पहले आते कोई थे? नहीं जानते थे, फिर भी मथुरे गए, फिर मथुरा से उन्हें सब गुरु महाराज जुड़े। अच्छा, फिर उन्हें लोग भगवान ने अपनी फैला दी महिमा। मथुरा में कितने महीने, मतलब महीने रुके, सालों रुके? साल नहीं, 2-3-4 साल रुके। 2-3-4 साल रुके? 5 साल हो चुके उन्हें। 5 साल हो चुके थे? कौन है, उनकी बड़ी उम्र है। आप ही लोग कितनी उम्र है? 25-26 साल। इससे भी कम है? इससे कम में ही लोग खड़े। अच्छा, उनके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं? उनकी माता हैं, उनके पिताजी हैं, उनके भैया हैं, अच्छा, बहन हैं। सिस्टर, सिस्टर की शादी हो चुकी है? हाँ, उनकी हो चुकी है, उनने भाई बताते हैं, हमने तो पता नहीं है। अच्छा, वो देखी है सुनी है, हमने बताते हैं यानी कि उनने अपनी बहन की शादी मांग मांग करी थी। अच्छा, सब जना ने सर जो दी, जैसे हम गरीब हैं तो कोई काम नहीं है घर में, तो आप सब जना को सब तो सकूल लेते ही। ये भी सुनने में आ रहा है कि उनकी जब बहन की शादी हुई तो एक मुसलमान भी थे जिन्होंने कुछ पैसे, उनके दोस्त थे, उन्होंने भी कुछ पैसे दिए थे। ऐसे भी क्या, हम पहले तो हम 10 साल हैं, हम इतने गंज में आके हैं, हमारे इतने टोरिया में नंद हैं। अच्छा, हम घर, हमारा घर है ढोणन पलकुआ। अच्छा, ऐसा ही ढोणन पलकुआ के हम रहने वाले हैं, हम गंज में आ गए आज। अच्छा, हमें 10-12 साल भाई थे, बिला भी दिन नहीं भाई, जब से हमें थे कोई नहीं जाना, तो क्या कहाँ गढ़ा कहाँ का है डरा। पहले की कहानी बताओ आप, पहले से पता चलो बल्ली बल्ली गड़ी रहती बल्ली है वे गाड़ी में। 2 साल पहले तो ये बने हुआ, 2 साल पहले बना है ये। अबे तो मुलाचत 2 ही साल भाई, 2 साल हुआ है। ऐसी है कहानी की भैया, महाराज जी हमें तो पता नहीं है तो। अच्छा, उनके पिताजी पहले पूजा पाठ करते होंगे, भागवत पढ़ते होंगे? देखो, उनके पिताजी का नहीं है भैया हमें पता, ठीक है, के का करते उनके पिताजी, के पूजा पाठ करते, के खेती करते, के का करते, हमें जो कुछ है जो नहीं पता। तो ये बताइए, देश भर से लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, उनकी अर्जियां लगती हैं, तो ऐसा भी कोई सिस्टम है कि जो आसपास के, मान लो गंज वाले हैं, गंज उगड़ा में कोई दूर ही नहीं है, तो ऐसा भी कोई सिस्टम है कि आसपास के गांव वालों की जल्दी अर्जी लग जाएगी? नहीं लगती है? नहीं, ये तय की नहीं, ऐसी नहीं होती, जहाँ दूर के आदमी आता अच्छा है उनकी लगती है, दूर वालों की लगती है, गाँव वालों की नहीं लगती है? गाँव वाले लगती तो है, अगले दो भाती नहीं है, दो भाती नहीं है, जो नहीं है, अब जो नहीं है कि उनके हमारी गांव की, या तो गांव की न सुने दूर की सुने, दूर की पहले सुनेंगे। तो भाई लेना देना भी कुछ होता है, शास्त्री जी लेते भी हैं किसी से कुछ? भाई देखो भाई साहब, हमें जो पता नहीं है। अच्छा, जो तो ऐसा है कि लेना देना उन्हें काई की कमी है, भगवान ने उन्हें ऐसी सिद्धि दी कि उन्हें लेना की कोई खबर ही नहीं है, कल है कल से बता बजा दो, आपकी खुशी है। आप हम अच्छा सोचते हैं, तो हम तो जो सोचते हैं कि जो आप कहो कि जो समोसा पूरे दे दो, हम तो दे रहे हैं अभी, हमारा तो अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए, ऐसा क्या
ऐसी बात। तो समोसा भी आपके बहुत भीड़ आती होगी, रोज बिक जाते होंगे। अच्छी है, अपने चलते हैं बालाजी के कृपा से, अपनी मंजूरी धतूरी कर आए। और फालतू बैठे उठे से तो सही कहूँ, अपने से गए उनकी एक कछु कई वो 200 ना ही चीज़ें, तो अपने दुकान में बैठी हुई है, तो हमसे मिला जुड़ी है और आते और जो मिला जुड़ी है सबसे मुलाकात तो वो बालाजी की कृपा से। बिल्कुल सही, ऐसी बात है। ये भीड़ कब, सबसे ज़्यादा भीड़ कब आती है यहाँ पर, कौन सा त्यौहार होता है जब जाते हैं लोग? नौ दुर्गन में आती है, अब अषाढ़ में आदमी पैदल आए, दंड भर भर आए और ऐसा, अब शादी ब्याह जो भाव उठाता है, इतनी भीड़, इतनी भीड़ के और हमने तो जिंदगी में देखी नहीं। तो फिर तो आपके समोसा अकेले आप बनाऊ ना पाऊ, तो और लोगों के लगवाने पड़ते लगे थे। अभी ऐसे समाज ऐसा, अब बच्चा है हमारे, दूध है सो बेहते ना हो, जिससे जितना भीड़ भाई सो मंजूर लगा लो। अब आते हैं सो सना चलो है सुबह, हम बैठे अपने संतान है, कुछ काम नहीं है। ये बताइए, और दुकानदारी, जैसे यहाँ पर भी दुकानें बन गई हैं, दुकानदारी में सबके अंतर आया, सबकी दुकानदारी अच्छी चलने लगी तब से धीरे शास्त्री? हमारी दो तीन देर तो हमारी मिट गई, मिटा दी भी आए थे तहसीलदार, पड़ती किया जाए तैसे उठाओ फला अच्छा काम करो, तो भी क्या वो हटा लाई थी फिर महीना खान बंद कर रहे थे ना, अपने लोग बालाजी की कृपा से फिर निजी मानो से फैन आ गए। जो बताओ आप, जितनी भी दुकानें रखी जे इनसे कछु किराओ लो जाता, आप लोगों से कछु किराओ लगे? भैया हम नहीं दाई किराया, हम झूठ नहीं बोलते हैं। आप नहीं देते किराया? हम नहीं किराया किसी, हम लोग और दुकान की हमें पता नहीं। अच्छा, न तहसीलदार को, न धीरेन्द्र शास्त्री जी को, किसी को किराया नहीं जाता? हम भी तो आज कह रहे हैं भाग जाओ सो भाग जाएगी हमारी तो ऐसी क्या है। तो चलिए, तहसीलदार भी है उनसे भी अपील है कि जो लोग रोजगार अपना कर रहे हैं कायदे से, वो रोजगार करते रहे। वो ये कह रहे कि साहब गरीब आदमी है, मोड़ी शादी के लाने हैं, सबने एक एक दो दो पैसा जोड़ रहे, सो लोग भगवान उनकी कृपा से हमने कहा था कछु लेने। अब एक चीज और बताओ, अभी बहुत बवाल मचो तो नहीं, बवाल के बारे में नहीं पूछे, दूसरे बवाल के बारे में पूछ रहे हैं। तहसीलदार ने ऐसा ही पता नहीं है, देखो सी हम इसे क्या, हमें क्या पता? बिल्कुल हमें क्या, हम तो अपनी दुकानदारी पे बैठे, जितना जित सुन लो उतना ही अच्छा है, हमें तो अच्छा सुना सो अच्छा ही अच्छा बोला था, अच्छा अच्छा सुना है सो अच्छा ही अच्छा काले है। हमें नहीं है जो दुनियादारी को, ना हमें इमेल काल से पूछा है। बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। शास्त्री है कैसे, एक बार मिली है आप? नहीं मिली अभी, खूब मिले थे कड़ा सुधार सा मिले, हम गरीब आदमी की को सुना। अच्छा, गरीब आदमी की नहीं सुनते, एनर्जी लगती है, कुछ नहीं होता है। सुनते तो हैं, जैसे हम भीड़ भाड़ में हम जाते हैं, वो जाए सुने का ना सुने, जैसे हम जाए वो उन लोग मिल भी जुड़ भी तो का ना सुने, बताओ इंसान तो हमें। अच्छा, अर्जी का सिस्टम क्या होता है यहाँ पर, कैसे अर्जी लगती है? अरे मालिक ने हमने ना डाली ना हमने डाली है ना आपको पता है, हमें तो भगवान पूर्ति करें। एक अर्जी डाली हमारी तो ऐसे गिनती कराई कि भगवान हमें अच्छी मोड़ी बाल मिल जाए, बढ़िया वो अच्छी एक बहू मिल जाए। बिटिया को पढ़ाया है आपने अच्छे से? नहीं पढ़ाया है, नहीं भाई साहब, अठाई लोग पढ़ी मोड़ी जाला नहीं पढ़ी इसे, कि हम पर अपने गांव से भगे थे, सीधे घर मकान भी दे रहे ऐसी है, उनके पिताजी तना सीधे साइड हैं, सो ज्यादा उनमें घर में कोनो सा हो था ना, तो इसे नहीं ज्यादा पढ़ा। और आसपास यहां कोई अच्छा सा विद्यालय है, अस्पताल है, अच्छे से नहीं है यहां पर? अभी तो नहीं है, बमीठाई में है जो बमीठा। कितना दूर हो गया यहां से? लगभग 20-22 किलोमीटर 20 ही है। तो बमीठा में विद्यालय है, बमीठा में अस्पताल है, लेकिन आसपास यहाँ पर ना कोई, गंज में भी है, गंज में है अस्पताल, अकेले वो सा अस्पताल नहीं है, यही है अपना विद्यालय है, स्कूल है, इंटर कॉलेज होगा कि डिग्री कॉलेज है? इंटर कॉलेज है। अच्छा, डिग्री कॉलेज अगर जाना है तो बमीठा ही जाना? बमीठा जाना, बमीठा। अच्छा, या छतरपुर? अच्छा, आप पति देव हैं इनके? अच्छा, आप, आपके पति तो नहीं आते हैं दुकान पे? ढोड़न में होंगे। तो चलिए, हमारे साथ इस समोसे की दुकान की मालकिन चाची थी, जिन्होंने सब कुछ विस्तार से बताया है, बुराई नहीं सुनती है, सब अच्छा अच्छा सुनती है, तो इन्होंने सब अच्छा अच्छा बताया। चूंकि एक चीज़ और अच्छी है, जब हम यहाँ पर आए हमने देखा, भले ही हमारी सोच कुछ हो, आपकी सोच कुछ हो, लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो एक अच्छी बात यहाँ पर ये देखने को मिली है हमें, कि बहुत सारे रोज़गार जो है, बहुत सारी जो दुकानें हैं वो यहाँ पर बसी हैं, और बहुत सारे लोगों का पेट इससे पल रहा है, बहुत सारे लोगों के परिवार इससे चल रहे हैं। तो आप सब जनता का राज देख रहे थे, आपके जो भी सवाल होते हैं, अच्छे बुरे, अच्छे सवाल भी हम पूछेंगे, बुरे सवाल भी उठाएंगे, तो लगातार पूछते रहिए और लगातार यूँ ही जनता का राज देखते रहिए। अभी शुरुआत ही है, अभी हम इस दरवाजे से अंदर जाने वाले हैं, अंदर जाकर और भी जो दुकानें वहाँ पर लगी हैं उनसे मिलने वाले और तमाम सारी चीज़ें पूछने वाले हैं, जानने वाले। एक और सवाल है चाची, जो लोग आते हैं दूर दूर से आते हैं,
तो कोई ऐसे भी लोग मिलते होंगे आपको जिनकी समस्या समाधान हो गया समस्या का? अब उनके इतनी है तो आता क्या समाधान का भी तो आउट होगा। तो नहीं कछु ऐसे मिले आपके की समाधान हो गो माओ? हाँ खूब मिले। अब कहिए का बताओ कि हमारे आए समोसा खाए बैठे वरदान हम अच्छो बात आए। बालाजी ने सुनी है हम तो आए गठपटैया जैसे बनता हूँ सब बुलाओ है मैं। अच्छा तो नहीं कोनो उदाहरण बता दो एक आध आप जो ना होगी हमारा जो काम हो गो की को जैसे आदमी आउट है बताऊ थे आपको आप में से कोई है उदाहरण जो दे जी के लाख उठ के बोलत नहीं सब बोलत है जी के निगत नहीं है वो के निगत है जी की औरत पागल है बस आई हो गई लो अब इतने से अच्छा पहचान। अच्छा ये सब हुआ है? सब हुआ है। आपने अपनी आंखों से देखा है? आंखों से देखा है भैया। एक दिन एक लड़का ले वहां बैठो तू जाई तो कह रहा तुम आज बोला ना तो बोलन लगो अम्मा पापा सब कान लगो चलो अच्छो गया अब इतने से अच्छा बढ़िया। तो हमारा देश आस्थावानों का देश है। लोग आस्था लेकर विश्वास लेकर यहाँ पर आते हैं। कुछ लोग इसे पाखंड कहते हैं और कुछ लोग चमत्कार कहते हैं। तो हम भी अंदर जाते हैं पाखंड अगर लोग कहते हैं उसकी भी पड़ताल करेंगे, लोग चमत्कार कहते हैं उसकी भी पड़ताल करेंगे। पोस्टर और दिखा दीजिएगा। चाची की दुकान पे जो धीरेन शास्त्री हैं वो हाथ जोड़कर खड़े हैं और लोग भी इनके दर पर हाथ जोड़कर आते हैं। और जैसा कि हमें यहाँ से पता चला है रुझान यहीं से आने शुरू हो गए हैं क्योंकि इनकी दुकानदारी भी धीरेन शास्त्री जी की वजह से चल रही है और रोजगार चल रहा है। और अंदर जाके कोशिश करते हैं और जो यहाँ की सच्चाई वो भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ की सारी सच्चाई आपको बताते हैं।